రైట్ ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఘనంగా బీజేపీ వ్యవస్థాపక వేడుకలు జరుగుతున్నాయి లైవ్ లో చూద్దాం वहां अंतिम आदमियों को सरकार की नीतियों का फायदा पहुंच सके इसकी आप चिंता कर रहे हैं। पिछले वर्ष आपकी प्रेरणा से मेयर्स कॉन्फ्रेंस हुई, हमारे देश में जो मेयर्स काम कर रहे हैं उनको आपने प्रेरणा दी और उसी तरीके से अभी बहुत जल्द हमारे सभी जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी हम लोग एक वर्कशॉप करने वाले हैं और वो रीजन वाइज करेंगे ताकि हम पार्टी को और आगे नीचे लोगों की सेवा में लगा सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा आपसे मिली है, हम ये कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अब भारतीय जनता पार्टी का सतत चलने वाला कार्यक्रम है। जैसा मैंने सेवा भाव की बात कही, सेवा पखवाड़ा मनाना अब ये भारतीय जनता पार्टी का सतत कार्यक्रम बन गया है और हम इस पखवाड़े में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर तरीके के कार्यक्रम करते हैं और समाज की सेवा के लिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को जोड़ते हैं। हम यह जरूर आज कहना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत बढ़ा है, लेकिन हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे और आपके बताए रास्ते पर इस महान भारत की सेवा में करोड़ों कार्यकर्ता लगेंगे और ये अमृत काल को सफल बनाएंगे। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, इसमें हम अपने आप को पूरी ताकत से लगाएंगे। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी की भी बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, निमंत्रण दूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, देश विदेश में उपस्थित भाजपा के कोटि कोटि कार्यकर्ता, देवी और सज्जनों, आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम देश के कोने कोने में भगवान हनुमान जी की जन्म जयंती मना रहे हैं। बजरंग बली के नाम का घोष चारों तरफ गूंज रहा है।
हनुमान जी का जीवन, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी सफलताओं में कहीं कहीं उन महान शक्ति के आशीर्वाद प्रतिबिंबित होते हैं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी, अथाह सामर्थ्य से भरपूर लेकिन अंधों से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है।